अपनी बलि दे दी। उनका सिर्फ एक ही ख्वाब था, भारत की एकता। लेकिन क्या हमने उनके इस कार्य को अंजाम दिया है? मुझे लगता है नहीं। बाकी बचा है तो सिर्फ और सिर्फ भारत का बिखराव। आइए चलते हैं भारत के एक ऐसे ही ऐतिहासिक सफर पर। भारत 1947, भारत 1956, भारत 1960, भारत 2000 और भारत आने वाला कल। नमस्कार, आज की सनसनीखेज खबर एक्सक्लूसिवली अब तक 56 के दर्शकों के लिए। हमारे सम्मानीय पॉलिटिशियंस को एक नया आइडिया आया है। उनका कहना है कि अगर इंडिया को जापान की तरह डेवलप करना है तो सबसे पहले इंडिया को जापान की तरह छोटा बनाना पड़ेगा। और इस सन्नाटेदार खबर के अनुसार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1, इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, और उसका खंडन नहीं किया जा सकता, उसी का खंडन कर दिया गया है। हमारे नेताओं ने फैसला लिया है कि हमारे देश का 5600 भागों में बंटवारा कर दिया जाएगा। आज की खबरें बस यहीं तक। देखते रहिए आपका अपना अब तक 56, और आप सभी दर्शकों को हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2013। अब 80 बरस तो जैसे तैसे बीत गए हैं देव की अम्मा, कोनो बदलाव तो आया ही नहीं। अब 3 बरस की तो और बात है, उसके बाद भगवान ही मालिक, भगवान ही मालिक। तुम जाओ, सुत जाओ। अरे अभी लोगों बेटा। अरे हाँ अम्मा, पहुँच गए। पड़ोस में रामू रहता है ना, रामू ऊ की भैंसी कुवन बा जा पड़ी, और मैं एक ही आदमी एक रस्सी से ई जान लगाए जा रहा था, ई जान लगाए जा रहा था कि बत्ता होई मां। का बात है बिटवा, हमरा बेटा रजनीकांत होई रहा। अरे यार तुम्हारा ही होना। अरे बाबू इतना काय खास रहे हो, 80 बरस के हो गए, खांसते ही निकल जाओगे का? अरे बिटवा अब तो ऊपर जाने की तमन्ना है। अरे ऐसा ना करो बापू ऐसा। अरे वो सब छोड़ो, कामकाज कैसा चालू? बस बाबूजी आप की कृपा है। हाँ जीते रहो, चलो सुता जाए। हाँ मैं थकान लग गई, आप भी सो जाओ बापू अम्मा। अरे
अरे सुनती हो देव की अम्मा? हाँ। नाश्ता बनाओ भाई। हाँ बनाती हूँ। अरे कहाँ घुसे जा रहे हो? सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी सन कर देती है दिमाग को। चैन से सोना है तो जाग जाओ। हम लेकर आए हैं आपके लिए सनसनाटेदार खबर। कैसे एक घर हुआ विभाजन का शिकार, आइए जानते हैं क्या है उनके हाल। चाचा जी, आपका घर विभाजन का शिकार हुआ है, बताइए क्या है आपके हाल। क्या करें चाचा जी आपके? हाँ जी बताइए। क्षमा चाचा। अरे चाचा जी, हम आपसे आपकी हाल पूछते हैं और आप ये सब। क्षमा चाहते हैं बिटवा, उका है ना, दिन भर से ना ठूस पाए हैं ना निपटा पाए। सब कुछ तो मुंह से निपटा दिया और कहां कहां से निपटाएंगे। तो देखा आपने कैसे हमारे चाचा जी को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ना ही उस सुबह से कुछ ठूस पाए हैं ना ही निपटा पाए हैं। ऐसी तगड़ी और धमाकेदार खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना अब तक छप्पन। ये हम लेकर आए हैं केवल आपके लिए आपके लिए आपके लिए। अब हम ही चल दिए हैं। हाँ बाबा बिटवा। अरे हाँ अम्मा पहुंच गए। कहाँ
बता ही दिए थे, दो तीन नाम गिनवाए हैं, एक तो इम्पोर्ट टैक्स, एक सालस टैक्स बता ही दिए थे, और दूसरा कुछ ऐसा ही टैक्स टाकस बता ही दिए थे। अब बताए दूध भी कहाँ से किए भाई? अब बेटा हम तुम्हारी परेशानी समझ सकते, पर और तुम्हारी देखभाल के लिए कोनों ना कोनों तो चाहिए। ये बात तो ठीक है अम्मा। तो हम सोच रहे कि तुम जाओ और पारो से ब्याह कर लो। पारो? अरे ये क्या बताई थी अम्मा? अब बेटा कोनों ना कोनों चाहिए देखभाल के लिए, तो जाओ तुम। अच्छा अम्मा अभी आए थे क्या? यहीं पर बैठिएगा। हाँ आ
मर गई कैसे? सब सरहद मामले का शिकार हो गई। सरहद मामला? फिर तो ये हमारे लिए वोट बैंक हुआ। उठाओ इसे। उठाओ भाई। पीछे बेटा, बेटा तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम हमारी पार्टी का साथ दो, हम तुम्हारा साथ देंगे। हम तुम्हारे मैटर को इंटरनेशनल बनवा। अरे पकड़ो इस बदतमीज को, मारो इसे, मारो और मारो। बस बस बस, अब हम अपना वोट बैंक किसी और तरीके से बढ़ाएंगे। ले चलो इसे सरहद पे। देखिए जनता, आज हम आपके सामने लाए हैं एक जीता जागता उदाहरण। भले ही हम सत्ता में नहीं हैं, लेकिन जो भी सरहद के मामले को नहीं मानेगा उसका यही हश्र होगा। हेलो इंडिया, आजकल जब भी न्यूज देखो एक ही खबर सुनने को मिलती है। हर जगह एक नए राज्य की मांग की जा रही है। दंगे हो रहे हैं, हड़तालें हो रही है। यह देश के विकास के लिए कितना आवश्यक है ये तो नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हर कदम पे एक नया राज्य होगा। क्या यही है इंडिया का फ्यूचर, या फिर इससे भी भयानक कुछ हो सकता है? धन्यवाद।